और अब बात हमारे आपके हक की, लोकतंत्र की। गांधी जी ने कभी कहा था, अगर अहिंसा हमारे अस्तित्व का नियम है तो भविष्य महिलाओं के साथ है। अब सवाल यह है कि क्या गांधी जी के ये विचार आज के चुनावी मौसम में भी मौजूद हैं, रिलेवेंट हैं? भविष्य अगर महिलाओं के साथ है तो क्या इसका एहसास सभी पार्टियों को है? और क्या इसलिए राजनीतिक दलों को यह लगने लगा है कि सत्ता तभी मिलेगी जब नारी शक्ति साथ होगी? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाए महिला संरक्षण और सम्मान के लिए प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं देश की बहनों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और सदन से विनम्रता से अपील करती हूँ कि मुझे ये इंट्रोड्यूस करने दिया जाए कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी मुझे प्रस्तावित करें। तो 43 साल बाद एक बार फिर से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक पेश हो गया। आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। और लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने वाले इस बिल का लोकसभा में तुरंत विरोध भी हुआ। सदन में हंगामा इस कदर हुआ कि उसके बाद सरकार को इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना पड़ गया। लेकिन ये सियासी मुद्दा तो बिल पेश होने से दो दिन पहले ही बन चुका था। AIMIM से लेकर कांग्रेस पार्टी तक ने बिल का विरोध किया था, जिसके बाद दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं आप सभी माताओं। प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी में मातृशक्ति के महाकुंभ में भाग लेने पहुंचे थे। यहां पीएम मोदी ने लाखों महिलाओं को पुष्टाहार प्लान, सुमंगला योजना के तहत DBT लाभ और अन्य कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री जब यूपी के महिलाओं को ये सौगात दे रहे थे, तब उनके मंच पर BJP की महिला शक्ति भी नजर आई। अनुप्रिया पटेल, साध्वी निरंजन ज्योति, स्वाति सिंह, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, केशरी देवी पटेल और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी प्रधानमंत्री की घोषणाओं का स्वागत कर रही थी। और ठीक इसी समय मंच से प्रधानमंत्री यूपी की आधी आबादी को ये संदेश देने में भी जुटे थे कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए जितना काम योगी सरकार ने किया उतना पिछली सरकारों ने नहीं किया। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर भी प्रधानमंत्री के निशाने पर पहले की अखिलेश सरकार रही। लेकिन जब प्रधानमंत्री प्रयागराज से महिलाओं के सम्मान में ये बातें कर रहे थे, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक को बेटियों के लिए जरूरी बताकर महिला वोटों को साधने की कोशिश हो रही थी, तो ठीक उसी समय कांग्रेस की तरफ से BJP पर जवाबी हमला भी हुआ। और बेटी हूँ और लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा ठोक दिया कि उनके इसी नारे की वजह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ। अब सवाल यह है कि अचानक से यूपी की सियासत में जाति जाति का खेला खेलते हुए महिलाओं के नाम पर सियासी दलों में लड़ाई तेज क्यों हो गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में नारी शक्ति को नमन करने लगे, तो वहीं चंद रोज पहले रायबरेली में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के बीच में पहुंचकर बड़ी रैली की थी। तो क्या इसके पीछे यूपी के कुल 14.12 करोड़ वोटर में महिला वोट 6.44 करोड़ वोट होना बड़ी वजह है, जिसका अगर 1/4 हिस्सा भी किसी एक दल को मिल जाए तो उसकी राज्य में सरकार बन सकती है। क्या ये लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में BJP को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के सबसे ज्यादा 63.26% वोट मिले? और क्या महिलाओं की बात इसलिए भी होने लगी क्योंकि 2017 के चुनाव में 403 विधानसभा सीटों पर 96 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी और इनमें से 40 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची?
वजह जो भी हो, लेकिन दिलचस्प ये भी है कि कल तक यूपी में जो लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच होती दिख रही थी, वो अचानक से बीजेपी बनाम कांग्रेस की होती नजर आई और महिलाओं के नाम पर हुई इस सियासत में समाजवादी पार्टी कहीं गुमसी दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।